सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो युवाओं को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह खबर उन तमाम युवाओं के लिए भी खुशखबरी लेकर आने वाली है जो सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका सेना में भर्ती होने का सपना पूरा नहीं हो पाया। जी हाँ, आपको बता दें कि जल्द ही भारतीय सेना युवाओं को अब 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। न्यूज एजेंसी ANI ने बुधवार को सेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके लिए सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो जल्द ही सेना इसका ऐलान कर सकती है। प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 3 साल तक सेना में सर्विस करनी होगी। हालांकि इस प्रस्ताव के बारे में अभी पूरी जानकारी आना बाकी है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका देने वाले इस प्रस्ताव को टैलेंटेड युवाओं को आकर्षित करने का प्लान बताया जा रहा है। ANI के मुताबिक सेना के प्रवक्ता ने इस प्रस्ताव को लेकर पुष्टि की है। इस योजना के तहत सेना देश के प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करना चाहती है। इस योजना के जरिए वे युवा भी सेना में शामिल हो सकेंगे जो किन्हीं कारणों से पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे। भारतीय सेना में अभी कुछ पदों की काफी कमी है। सेना इस योजना के तहत इन पदों की कमी को पूरा करना चाहती है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि युवाओं को 3 साल के लिए सेना में मौका देने वाले इस प्रस्ताव से पहले सबसे कम समय के लिए SSC के जरिए 10 साल तक के लिए भर्ती की गई। मौजूदा समय में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के जरिए सबसे कम 10 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। हालांकि इससे पहले SSC के जरिए 5 साल तक के लिए युवाओं की भर्ती की जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। तो साथियों, सेना भर्ती को लेकर ये एक बड़ी अपडेट है आपके लिए, उन युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है, उन युवाओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है जो युवा सेना में भर्ती होने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया था। जैसे ही इस खबर को लेकर कोई भी अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे इसकी पूरे प्रस्ताव के बारे में। क्या है पूरा प्रस्ताव, क्या रहेगी भर्ती प्रक्रिया, क्या उन युवाओं की एलिजिबिलिटी रहेगी, किन किन कैटेगरी में भर्ती होगी और इसके लिए तमाम प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, उन सबको लेकर हम जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यदि चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए वेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑन कर लीजिए। फिर आपसे जल्द मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।